कमीशन हमारी आवाज को पहुंचाए कि जब तक संजय ताव को जिलाध्यक्ष पद से मुक्त नहीं किया जाता ये पूरा युवा सांसद कार्यालय बैठेगा। संजय ताव बीजेपी कहना मान ले, बारी बिस्तर बांध ले, बीजेपी करना मान ले। बिराजो अरे अभी मत खड़ा होता, गर्मी में परेशान होगा। किसी ने सींचा है तो राजपूत समाज ने सींचा है, और किस तरह सींचा है, हमने 25 साल में इनसे कुछ नहीं मांगा। मांगना तो बहुत दूर की बात है, आज हमें विरासत में गाली मिली है, ये बात ध्यान रखना। जब आप लोग गांव पहुंचे, अगर ये आपके गांव में घुस गए तो हम नाम करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। आप लोग गाली देने के बाद भी, गाली सुनने के बाद भी अगर आप लोग इनको भाई साहब बोलते हैं तो आप अंदाजा लगा लेना कि हमारा भविष्य कहां जाने वाला है। उसके बाद भी पार्टी आज ये कह रही है कि हम देख लेंगे। जूते मारो सालों को, अरे तो ये देख लेंगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अरे झूठा आश्वासन दे रहे हैं, न्याय मांग रहे। उसके बाद भी इन लोगों की यह हालत है, ये पूरे समाज को एक जिला देश के सामने बोलना पड़ रहे, ये सुन लेना आप लोग। एक व्यक्ति के लिए पूरा झालावाड़ जिला परेशान है, एक व्यक्ति के लिए एक ध्यान रखना जीवन में। गाली दी उसको संरक्षण दे रहे, अरे तो क्या हम चूतिया हैं क्या? अगर ये राजपूत समाज को गाली देने वाले को नहीं हटा सकते तो कब बैठने का हमारे को आश्वासन देंगे? आप लोग इस चीज को देखें, पूरी हटो इसको, हमारी भूल। और ये राजपूत समाज को जिंदा बोल सकते हैं, खून है कि गाली खाकर इनको वोट दे दे तो आप हमसे ये वापस गली गली आएंगे, आपको वोट देने के अधिकार बताएंगे, और ये कहेंगे कि वोट देना आपका अधिकार है, नहीं तो आपका अधिकार छिन जाएगा। अरे कौन से हमारे अधिकार हमें आज तक मिले हैं? हमें मिली है तो 25 साल में ये गाली मिली है। और वोट मांगने की राजा बोलानी, मुझे पता नहीं लग रहा है कि राजपूत समाज के लोग बैठे हैं इस भारी बारिश में, हम पिघलने वाले नहीं है। निर्णय वो निष्पोट होगो जब तक संजय ताव लेटेगा, जब तक कोई नहीं लेटेगा यहाँ से, ये निर्णय है। हम उसका बहिष्कार करेंगे, और हमारी समाज का जो भी व्यक्ति बीजेपी का साथ देगा उसका भी विरोध करेंगे। वास्तव में हमने हमारे सारे सबूत दे दिए, अगर उसके बाद भी हमारे समाज के पदाधिकारी या हमारे समाज के लोग इन नीचों का समर्थन करते हैं तो हमें उनके भी खिलाफ उतरना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बिके हुए नहीं है। ध्यान रखना, वसुंधरा तेरी तानाशाही, ये बात ध्यान रखना। आज किस लिए आए थे आप यहाँ? एक जरा से जिलाध्यक्ष को जिसको चुटकियों में जिसने खुद ने घोषणा कर दी,
ये बात अंदाजा लगा लेना, जिसने खुद ने घोषणा करी है कि अगर मैं गुंडा बोलता हुआ नजर आऊंगा तो मैं खुद इस्तीफा दूंगा, उसको नहीं हटा सकते, ये उसका इस्तीफा नहीं ले सकते, तो क्या समझते हैं, क्या औकात आपकी इनने लगा रखी है, क्या अहमियत आपकी लगा रखी है, ये आप लोग समझ जाना। और ये विरोध खत्म होने वाला नहीं है, ये विरोध अगर आपने खत्म कर दिया तो फिर कोई आएगा और आपको ये एहसास करा के जाएगा कि आपकी कोई औकात नहीं है। ये बात ध्यान रखना, तुम समाज के युवाओं अब क्या परिस्थिति है। अगर आप सभी चाहते हैं कि हम क्षत्रिय समाज की लड़ाई और हो रही इतिहास चोरी की लड़ाई पर ऐसे ही अपनी बेबाकी से आवाज उठाते रहें, तो आप सभी वीडियो के स्लाइड में एक ऑप्शन होगा थैंक्स, थैंक्स के जरिए आप सभी हमारी मदद कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेबाकी से खुलकर क्षत्रिय समाज की हो रही इतिहास चोरी और क्षत्रिय विरोधी लोगों को मुँह तोड़ जवाब देते रहें।